thank you बिहार में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है ऐसे में पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया है कि नर्सरी क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक जो है वो स्कूल सात जनवरी तक बंद रहेंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे में बच्चों को काफ़ी समस्याएँ हो सकती हैं बीमार पड़ सकते हैं इसलिए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जो शिक्षा के कह सकते स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं उन्हें दिशा निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द आज से ही स्कूल बंद हो जाएंगे क्योंकि पहले जो आदेश जारी हुआ था वो बीस दिसंबर से लेकर इकतीस दिसंबर तक ये आदेश थे लेकिन अब ये आदेश को बढ़ा दिया गया है और नर्सरी क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक जो है स्कूल बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल तमाम स्कूल जो है जिलाधिकारी ने बंद करने का आदेश दे दिया है अगर वो बंद नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी क्योंकि इससे नुकसान बच्चों को होंगे बच्चे स्कूल सुबह सुबह जो है स्नान करके वो निकलते हैं घर से और ठंड का जिस तरीके से लगातार शीतलहड़ी बढ़ रहा है और जो है खास तौर पर जो फॉग की समस्याएं हो रही है सुबह के वक्त खास तौर पर जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उन्हीं समस्याएं होती हैं तो जगह जगह पर लॉ जलाकर लोग अपनी ठंड को जो है किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं बचा रहे हैं लेकिन जिला अधिकारी ने यह भी निर्देश दे दिया है कि जो स्कूल जो संचालन करने वाले लोग हैं संचालक को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द स्कूल आज से ही बंद कर दिया जाए और स्कूल बंद भी हो गए तो अब पूरी तरीके से जो भी प्राइवेट स्कूल हैं सरकारी स्कूल हैं वो सात जनवरी तक बंद रहेंगे आगे अगले आदेश तक के लिए ये बंद कर दिया गया है आगे भी आदेश जो है इसमें बढ़ सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से ठंड बढ़ रहा है और ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहे हैं और सीतलहड़ी ख़ासतौर तो पर ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और फॉग की समस्या सुबह के वक्त देखने को मिल रहा है तो ऐसे में आपको बता दें कि डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि राज्य में जो है लगातार ठंड की प्रकोप बढ़ रहे हैं ऐसे में आठवीं क्लास कक्षाएँ से ले आठवीं कक्षाएँ तक बंद रखी जाएंगी और दिशा निर्देश दिए गए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि अनुपालन करने की जिम्मेदारी दी गई है जो स्कूल आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आठवीं कक्षा से ऊपर के कक्षाओं को स्कूल अपने मुताबिक संचालित कर सकते हैं गौरतलब है कि इससे पहले की ठंड को लेकर डीएम डीएम ने 28 से 31 दिसंबर तक के लिए स्कूल बंद करने का आदेश दिया था लेकिन इसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को भी सभी जिला के डीएम को पत्र लिखा है और उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी स्कूल खुले हुए हैं उसे बंद करें क्योंकि 26 से लेकर 31 तक ही बंद करने का आदेश दिया गया था पहले लेकिन अब वो आदेश बढ़ा दिया गया है और इसको लेकर समीक्षा बैठक करने के बाद यह कहा गया कि अब पटना के डी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने भी आदेश दे दिया है शिक्षा जो स्कूल के संचालक हैं उन्हें आदेश दे दिया गया है कि स्कूल जो है जल्द से जल्द बंद कर दें और जो आठवीं के ऊपर कक्षा के जो बच्चे हैं उन्हें अपने अनुसार बुला सकते हैं जो स्कूल खोल सकते हैं लेकिन जो नर्सरी ले से लेकर आठवीं तक के कक्षा के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे ठंड को देखते हुए ख़ासतौर पर जिस तरीके से ठंड बढ़ा है और ठंड से लोग जो है ठू कर अपने घरों में कैद हो चुके हैं जो जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो भले निकल रहे हैं लेकिन जो बच्चे हैं छोटे बच्चे वो अब अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और की जो है घरों में कैद हो चुके हैं तो कह सकते हैं कि ठंड को देखते हुए ख़ासतौर पर ये आदेश डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जिलाधिकारी ने दिया है सीधे तौर पर नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए स्कूल पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं और अगले आदेश तक के लिए स्कूल जो है वो सात जनवरी तक बंद रहेंगे और आगे आदेश जो आएंगे उस पर फिर स्कूल खोला जाएगा या बंद किया जाएगा ये तमाम जो है दिशा निर्देश जब आएंगे जिलाधिकारी के तब फिर स्कूल खोलने की अनुमति दी जाएगी अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने न्यूज के लिए और देखते ना आशीर्वादी कॉन ग्रुप भरोसे का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विथ ऑल मॉडर्न अमेनिटीज़ पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे